अगर हम आपसे कहें कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भ्रष्टाचार के सबूत पूरी ग्राम पंचायत में बिखरे पड़े हैं तो आप क्या कहेंगे, है ना कुछ अजीबोगरीब, लेकिन यह सच है। दरअसल हुआ यह है कि बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत टेकड़ी के पिपरी टोला ग्राम के वार्ड नंबर 12 में जहां चारों तरफ बर्बादी और भ्रष्टाचार के सबूत फैले पड़े हैं, जहां घटिया मटेरियल का उपयोग कर नाली, शौचालय और सड़क का निर्माण किया गया है, वहां भ्रष्टाचार की हद ही हो गई है और अधिकारी ग्रामीणों के दावों को, पुकार को, अपील को अनसुना कर रहे हैं। बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत टेकड़ी के पिपरी टोला ग्राम के वार्ड नंबर 12 में नाली का निर्माण भ्रष्टाचार के साथ कर दिया गया है और नाली निर्माण का कार्य दिवस का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया। वहीं बीते दिन हुई बारिश में घटिया मटेरियल से बनाई गई नाली की पोल खुल गई और पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि नाली निर्माण का कार्य नवम्बर माह में किया गया था, जिसमें नाले की मिट्टी वाली रेत लगाई गई थी, जबकि लोहा, सीमेंट, गिट्टी को लेकर घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया था। समस्या ये है कि ये जो नाली अभी दीपावली के बाद में इसका काम हुआ है पानी निकासी के लिए, और 21 नवंबर को इसकी कास्टिंग हुई थी, जहां मैं जो जगह बता रहा हूँ वो 21 नवंबर 2021 को, और परसों 28 दिसंबर 2021 को, यानी 1 महीना 8 दिन के बाद में बरसात हुई शाम को, और उस बरसात के बाद में इस नाली की ये हालत है। ये देख लीजिए, ये टूट चुकी है। अब इसमें कंडीशन ये है कि इस नाली में आप देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे ना ही इसमें लोहा है, ना सीमेंट है, ना गिट्टी है, इसमें बिल्कुल घटिया मटेरियल है। और नाले की मिट्टी जो लाते हैं, मिट्टी वाली जो रेती होती है, वो ट्रैक्टर में भर के लाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वही डाली जाती है। गिट्टी और रेती और सीमेंट का नामो निशान नहीं होता, बस नाम मात्र के लिए डालते हैं। और लोहा भी आप देख लीजिए, बिल्कुल नहीं के बराबर ही है। इसका जो मेन बार है, जो मेन लोहा, 2-2 फीट पर डाला गया है, और आज उसकी ये कंडीशन है। ये लोहा देख सकते हैं आज, इसमें कोई कवरिंग नाम की कोई चीज नहीं है। ये देख लीजिए, इसमें कोई कवरिंग नहीं है, तो कहां से रहेगा ये? आज सिर्फ 1 महीने में ये हाल है, ये 1 महीने में ये हाल है, इसको तो बाकी बरसात और सहने हैं। वहीं सड़क निर्माण को लेकर भी ग्रामीणों के द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत की जा रही है। सीसी सड़क पर घटिया मटेरियल का उपयोग कर निर्माण किया गया। ग्रामीणों के अनुसार सीसी सड़क 9 इंच की होना चाहिए, लेकिन 9 इंच ही नहीं बल्कि 3 या 4 इंच की ये सड़क का निर्माण किया गया, और एक साल में ही सीसी सड़क की हालत जर्जर हो गई है। इतना मोटा है, इसकी थिकनेस कितनी है कोई समझ में नहीं आ रही है। अब ये एक्चुअल में कितनी मोटी होना चाहिए और कितनी मोटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नियमानुसार तो जो 9 इंच होता है, और 9 इंच तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, सिर्फ एक साल तक हुआ है ये कॉन्क्रीट से गिट्टी ऐसी नहीं निकाली जा सकती आसानी से। वहीं 2 साल पूर्व बने लोगों के घर के शौचालयों के भी अब पर खच्चे उड़ गए हैं। ग्रामीण इसमें लेटरिंग तो नहीं जा पाए, लेकिन उसको किसी टूटे फूटे भ्रष्टाचार के धरोहर की तरह संभाल कर इन लोगों ने जरूर रखा है। ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल घटिया स्तर का निर्माण कार्य हुआ है। इसमें सीमेंट यहाँ भी कम है, बाकी सभी चीजें कम है, सीट मटेरियल है, और दरवाजा तो बिल्कुल समझ लो कि 2-4 दिन में ही टूट गया था, पता नहीं बिल्कुल कागज। कितने साल पुराना है ये? लगभग 4 साल पुराना है मेरे जानकारी अनुसार। 4 साल तो शुरू से ही यूज नहीं किया इनका, तो शुरू में दरवाजा ही टूट गया। अब ये समझ में नहीं आता कि इतना घटिया कार्य कैसे किया जाता है। किसी गरीब के यहाँ बार बार शौचालय तो शासन बनाकर देगी नहीं, तो ये कम से कम एक बार तो मजबूत बनना चाहिए। तो सब पंचायत के द्वारा बना था, और आज ये कंडीशन है। और बोलने में इसलिए आ रहा है कि जो नाली की हालत देख के बहुत दुख हुआ आज, इसलिए बोलने में आ रहा है, नहीं तो हम लोग तो ये भाई अब क्या करें, चल रहा है जो अभी नाली का कार्य देखने के बाद, और नाली जो इतनी जल्दी टूट गई, अब उसके बाद सारी चीजें समझ में आ रही है कि जितने भी मतलब ये पंचायत में कार्य हुए हैं, कितना से कार्य हुए हैं, चाहे जिस प्रकार से गड़े मुर्दे खोदो और कैसी बदबू आती है और सब निकल के आता है ना, उसी प्रकार से ये सब निकल के आ रहा है। नाली के बाद में अब सारी चीजें दिखाई दे रही है कि सीसी रोड कैसा हुआ है, शौचालय कैसा हुआ, आप देख सकते हैं। आवाज भी कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं बना है, सब काम चलाओ बना दिया गया है, कब तक खड़ा रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है।
आज नाली को देखकर तो अब किसी भी चीज पर भरोसा नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि शासन का जो पैसा जो गरीबों और जो समाज हित के लिए और जनहित के लिए जो आता है वो सही उसका उपयोग होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि हम अधिकारियों को समस्या बताने जाते हैं तो वो हमारी सुनते तक नहीं है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा लगाए गए बिल वाउचर में भी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, जहाँ पंचायत के सरपंच और सचिव की सील साइन तक इन बिलों पर नहीं है और बिल वाउचर पास हो जाते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।